सब मेरे साथ इस मंत्र को दोहराएंगे। सभी मिलकर बोलिए, ओम शांति। यातायात एवं परिवहन प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन में पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का ब्रह्मा कुमारीज की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गति, सुरक्षा और आध्यात्मिकता, इस थीम को लेकर वर्ष 2000 से इस प्रभाग ने अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी और आज सारे विश्व में रोडवेज, रेलवेज एवं टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों में आध्यात्मिक जागृति लाने हेतु ये प्रभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आज इसके 18वें राष्ट्रीय सम्मेलन में पधारकर आप सभी ने अपनी उपस्थिति के द्वारा इस चमन को महकाया है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी की हिम्मत को दाद देती हूं कि इतना प्राकृतिक वातावरण का समाचार सुनकर भी आप सब ने हिम्मत और दृढ़ता के बल पर इस स्थान पर पहुंचे। आप सब के लिए कहना चाहूंगी कि सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का सहारा, ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का सहारा और चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए, कि तूफान भी रुक जाए। तो आपके साहस ने, आपकी हिम्मत ने इस तूफान को भी थमा दिया और आप सबको यहाँ पहुंचा दिया। इस पावन धरा पर आप सभी का मैं पुनः स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं सर्वप्रथम इस आध्यात्मिक मंच को सुशोभित करने के लिए हमारे अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, भ्राता राजीव गुप्ता जी, बहन तृप्ति गुप्ता जी, मैं जिन्हों का भी नाम अनाउंस करती हूँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, भ्राता अंगराज मोहन जी, आदरणीय दिव्य प्रभा बहन जी, आदरणीय कुंती बहन जी, भ्राता सुरेश शर्मा जी एवं भ्राता अनिल भाई जी, मैं मंच पर हमारे मेहमानों को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। आपकी तालियां इस कार्यक्रम की शोभा है। और अब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ हमारे मंचासीन मेहमानों का फूलों के गुलदस्ते और बैच के द्वारा स्वागत करें। इधर स्वागत की विधि चले और उधर तालियों की गड़गड़ाहट हो ताकि इस कार्यक्रम की शोभा, हमारे ये उमंग उत्साह है, ये खुशियां हैं। कहते हैं गुलशन की रौनक बहारों से है कि गुलशन की रौनक बहारों से है, आसमां की रौनक सितारों से है, नजारों से रौनक है इस वसुंधरा की
कि आज इस मंच की रौनक इन मेहमानों से है, कि आज इस मंच की रौनक इन मेहमानों से है। हम जोरदार तालियां स्वागत में बजाएंगे। आदरणीय निर्मला दीदी जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं। बहने गुलदस्ते व बैच के द्वारा हमारे महानुभावों का स्वागत कर रही हैं। ये बड़ी शुभ घड़ियां हैं, ये स्वागत के पल हैं। कहते हैं गीत है गाने के लिए, गीत है गाने के लिए, गीत है गुनगुनाने के लिए, गीत है गाने के लिए, गीत है गुनगुनाने के लिए। और ऐसे में अगर मधुर वाणी के कलाकार मंच पर आ जाए तो ये हस्त भी तैयार हो ताली बजाने के लिए, ये हस्त भी तैयार हो ताली बजाने के लिए। मैं मधुर वाणी ग्रुप के सतीश भाई और उनके साथियों को आमंत्रित करती हूँ स्वागत गीत हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, सतीश भाई एवं उनके साथी। ओम शांति। आज तो अपनी खुशियों का कहीं और न छोर, स्वागत करती आपका आज घटा घनघोर। गति सुरक्षा आध्यात्मिकता तीनों चले हैं साथ, और आपके साथ आओ हम सब मिलकर चलें खुशनुमा जीवन की ओर, खुशनुमा जीवन की ओर। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर लें, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे भानु भाई, साथ में रमेश भाई, मिलकर के मधुरवाणी ग्रुप आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। एक बार और तालियों के साथ स्वागत करें। गति सुरक्षा आध्यात्मिकता गति सुरक्षा आध्यात्मिकता तीनों चले एक साथ। गति सुरक्षा आध्यात्मिकता तीनों चले एक साथ। निश्चित सफर सुहाना होगा और बनेगी बात। परिवहन वाले आए हैं, हर हृदय हर शाये हैं। गति में प्रगति होती जाती, गति में जग गतिमान है। गति से पहले सुरक्षा का पर हमको रखना ध्यान है। गति में प्रगति होती जाती, गति में जग गतिमान है। गति से पहले सुरक्षा का पर हमको रखना ध्यान है। आध्यात्मिकता में ही सुरक्षा सिर पे प्रभु का हाथ।
शक्ति सुरक्षा आध्यात्मिकता तीनों चले एक आध्यात्मिकता से मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। कर्ण योगी बन जाते हैं, कर्म कुशलता आती है। आध्यात्मिकता से मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। कर्म योगी बन जाते हैं, कर्म कुशलता आती है। शांति वन में शांति सागर देते हैं शांति सौगात। गति सुरक्षा आध्यात्मिकता तीनों चले एक साथ। कहीं है सूखा कहीं है बाढ़, अंदर बाहर तूफान है। ऐसे में प्रभु का शरण ही सुरक्षित स्थान है। अध्यात्म विकास जरूरी इसके बिन प्रगति अधूरी है। प्रभु की योजना बहुत बड़ी है, आपसे होनी पूरी है। शिव बाबा के संग संग करती स्वागत है बरसात। गति सुरक्षा आध्यात्मिकता तीनों चले एक साथ। गति सुरक्षा आध्यात्मिकता तीनों चले एक साथ। निश्चित सफर सुहाना होगा और बनेगी बात। परिवहन वाले आए हैं, हर हृदय हर्षाए हैं। परिवहन वाले आए हैं, हर हृदय हर्षाए हैं। परिवहन वाले आए हैं, हर हृदय हर्षाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता सतीश भाई जी, भानु भाई जी और रमेश भाई जी। आज गाड़ियों की गति में छूट नहीं पर तालियों की गति में छूट है। आप जितनी चाहे उतनी बजा करके उमंग उत्साह बढ़ा सकते हैं। वेलकम, सुस्वागतम, ये शब्द हैं पवित्र भावनाओं से पुष्पित एवं पल्लवित। ऐसे समय पर वाणी भी कहाँ विराम रह पाती है, बल्कि और ही मुखरित स्वर में गूंज उठती है। तो अपनी ऐसी शुद्ध भावनाओं से सभी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय कुंती बहन जी जो मुंबई से पधारी हैं,
आप पिछले 45 वर्षों से इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग की सेवाओं को आगे बढ़ाने में आपका विशेष योगदान रहा है और धार्मिक प्रभाग की आप एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं, तो मैं सभी का वेलकम करने के लिए आदरणीय कुंती बहन को निवेदन करती हूँ। ओम शांति। सम्माननीय मंच, मंचासीन महानुभाव और सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, गति सुरक्षा और आध्यात्मिक सम्मेलन एवं राजयोग शिविर के लिए हम सभी यहाँ पधारे हैं। कहते हैं मंजिल की ओर बढ़ते रहना, मंजिल की ओर बढ़ते रहना, ये है मुसाफिरी की निशानी। जिंदगी एक सफ़र है, हर किसी की है ये कहानी। इस कहानी में आध्यात्मिकता के रंग भरना, ये है यातायात और परिवहन प्रभाग की निशानी। ऐसे आज शुभ पावन बेला में आप और हम सभी पधारे हैं। आप परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, महान आत्माओं, कार्यक्रम में पधारना ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जहां आज चारों ओर हम समाचार सुनते हैं तो मन के अंदर संकल्प भी चला, जाएं या न जाएं, कहीं आया कि रुक जाते हैं, नहीं जाते। परंतु आज जो यहाँ पहुँच गए, ये सिलेक्शन परमात्मा की है। कईयों ने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन यहाँ पहुँचना उसकी सिलेक्शन पर ही था, प्रकृति तो एक बहाना थी। इसलिए आप सभी का स्वागत करने से पूर्व मैं परम पिता परमात्मा का कोटि कोटि नमन करती हूँ, नमन करती हूँ। साथ साथ परम पिता परमात्मा जिस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इस आध्यात्मिक ज्ञान और राज्य की शिक्षा देते हैं, जिनके ही शुभ प्रेरणा से यह कार्य हो रहा है। परमात्मा ने उस समय ब्रह्मा के द्वारा बीज बोया और तत्पश्चात ये आज वृक्ष समस्त विश्व के अंदर फैला हुआ है। ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा का भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और हमारी आदरणीय दादियाँ, जिनके ही शुभ संकल्पों से, शुभ प्रेरणाओं से हमारे अंदर वह ऊर्जा आती है, वह शक्ति आती है और हम हर कार्यक्रमों करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे दादियों को भी हम दिल से नमन करते हैं। साथ साथ आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय निर्मला दीदी जी, आपके लिए कहना चाहूँगी आशीर्वाद की वर्षा करते रहिए, आशीर्वाद की वर्षा करते रहिए, खाली झोलियाँ सबकी भरते रहिए, आपके बताए मार्गों पर चलते रहें, ऐसे सुखों से झोली भरते रहें। आदरणीय दीदी जी का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कहते हैं समय अमूल्य है, समय अमूल्य है, ऐसे समय को सदा सफल करने वाले आज भी हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने शुभ भावनाओं को, शुभ संदेश को हम सभी के बीच भेजा है। ऐसे आदरणीय सन्मान्य सुरेश प्रभु जी का भी मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दूसरे भी हमारे बीच इसी प्रकार हैं, श्रद्धा प्रेम विश्वास के धनी भ्राता श्री जय कुमार रावल, आपने भी वीडियो के द्वारा
अपना शुभ संदेश भेजा है, अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जिसकी सोच में, जिसके इरादों में, जिसकी सोच में, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है, जिनके नियम में सच्चाई का स्वाद है, ऐसे आदरणीय दिव्या बहन का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। विनम्र व्यक्ति समाज के किसी भी अवरोध को पार कर लेता है, विनम्र व्यक्ति समाज के किसी भी अवरोध को पार कर लेता है, नम्रता से हर परिस्थिति जो में अपने आप को ढाल लेता है, ऐसे भ्राता राजीव गुप्ता जी। आपका भी दिल से, हृदय के भावों से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सुख दुख ये जीवन के दो विभिन्न साथी हैं, ऐसे अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ने वाले अंगराज मोहन का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास चाहिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास चाहिए। हमेशा अपनी मेहनत और परमात्मा में विश्वास रखने वाले भ्राता सुरेश शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। परोपकार की भावना आपके अंदर विद्यमान है, निस्वार्थ भाव से, लगन से सेवा करने वाले अनिल भाई का भी हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और सदैव हर क्षण, हर पल अपने आप को हर कार्य में तल्लीन करने वाली, सदैव अपने दिल और मन के उमंगों और उत्साह में बढ़ने वाली आदरणीय संगीता बहन जो कुशल मंच संचालन कर रही हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कहते हैं कि जहाँ भावनाएं शुभ हों, मंगल हों, ऐसे स्नेह, प्यार एवं शुभ भावनाओं के धनी हमारे शांतिवन एवं मन मोहिनी कॉम्प्लेक्स के देवी भाई बहने अचानक यह कार्यक्रम जो ज्ञान सरोवर में होना था और यहाँ पर किया गया। दिन रात उन्होंने अथक मेहनत करके हमें पूर्ण सहयोग दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। ऐसे सर्व डिपार्टमेंट के भाई बहनों का भी मैं अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी के लिए भी मैं जरूर कहना चाहूँगी कि आप सभी भी अगर समय निकाल करके हमारे बीच उपस्थित ना होते और इस कार्यक्रम की अगर आप शोभा ना बढ़ाते तो आपके लिए भी बहुत बहुत दिल से जरूर आपसे एक निवेदन भी करूंगी कि आप जो इन चार दिवसीय सत्रों को अटेंड करेंगे तो आपके साथ आप क्या खजाना लेकर के जाएंगे। जिन्होंने गीत में बताया कि आए तो थे हम किस प्रकार से, लेकिन यहाँ से जाते जाते हम खुशियों के सागर को अपने जीवन में भरते जाएंगे, ऐसे सभी रहनुमाओं का भी दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। कुंती बहन जी, जिन्होंने सभी का स्वागत किया, हम सब मिलकर के दिल से उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग, जिसका आज 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, आज 18 अध्याय पूरे हो रहे हैं। इस प्रभाग के द्वारा सारे विश्व में किस तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, इस प्रभाग से अवगत कराने के लिए अब मैं निवेदन करती हूं सुरेश भाई जी से। आप ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, इस प्रभाग की सेवाओं में आपका विशेष सहयोग रहा है। देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर आपने कई सम्मेलन, कैंपेन आदि किए हैं। ब्रह्मा कुमारीज के इस मुख्यालय में आप
करीब 20 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो इस प्रभाग से अवगत कराने के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूं सुरेश भाई जी को। ओम शांति। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच मंच को सुशोभित कर रहे मुख्य अतिथि भ्राता राजीव गुप्ता जी, साथ में बहन तृप्ति गुप्ता जी, अंगराज मोहन जी, जो विशेष रेलवे सेवाओं में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और भारतीय रेलवे जो विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों को ट्रैवल कराने वाली रेलवे है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आप अथक प्रयास करते हैं। आप इस मंच पर आए हैं, हमें बहुत खुशी है। हमारी आदरणीय निर्मला दीदी जी, जो विशेष ज्ञान सरोवर एकेडमी से यहाँ पर आए हैं, और हमारी आदरणीय दिव्या बहन जी, जैसा कि अभी संगीता बहन और कुंती बहन बता रहे थे, यातायात परिवहन प्रभाग की सेवाओं को नित नया रूप देने के लिए निरंतर प्रयास रहती हैं हमारी आदरणीय दिव्या बहन जी। उसके साथ साथ कुंती बहन जी, जो लगातार इस कार्य में सहयोगी बनकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती हैं। मेरे साथी दोस्त अनिल भाई और हमारी प्रिय बहन संगीता जी, और मंच के सामने इस सभा की शोभा बढ़ाने वाले आप सब विशेष अतिथिगण, जैसा आपने सुना है, ब्रह्मा कुमारी विश्व भर में एक नई क्रांति लाने का प्रयास लगभग 80 वर्षों से कर रही है, और उस क्रांति में कुछ नया रूप देने के लिए, कुछ नई विधि से लोगों तक आध्यात्मिकता के संदेश को पहुंचाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अलग अलग प्रभाग बनाए गए हैं, जिनको हम विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं, जिनमें कुछ के नाम अगर मैं लूं तो हम मेडिकल विंग, यूथ विंग, वुमेन विंग, एजुकेशन विंग, रिलीजियस सर्विसेज विंग, रूरल डेवलपमेंट विंग, इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग है, जो न केवल भारत में अपितु विश्व भर में यातायात, परिवहन और पर्यटन से जुड़े हुए हर स्तर के व्यक्ति विशेष तक आध्यात्मिकता के संदेश को पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, लेकिन इस विंग की शुरुआत भले ही सन 2000 में विधिवत रूप से हुई हो, लेकिन 90 के दशक में मुंबई के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जिसे BST के नाम से जाना जाता है, उनके चालकों और परिचालकों के लिए, ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स के लिए, हमारी आदरणीय दिव्या बहन जी ने एक संकल्प के साथ
कार्यक्रम का शुभारंभ किया कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाए तो वो तनाव मुक्त होंगे, और अगर वो तनाव मुक्त होंगे तो जो नशे की आदत भी होगी तो भी खत्म हो जाएगी, और उसके कारण सुरक्षित बस सर्विस मुंबई वालों को अवश्य मिलेगी। और उस समय के बीएसटी के चेयरमैन से जब इनकी मुलाकात हुई और विस्तृत चर्चा हुई, उसके उपरांत जो कार्यक्रम किए गए, उसके फलस्वरूप न केवल चालकों के जीवन में परिवर्तन आया, परिचालकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया, बल्कि बीएसटी की बस सर्विस में भी बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, और वो था दुर्घटनाओं में बहुत ज़्यादा कमी का होना। वो अपने आप में एक उदाहरण था कि आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से भी, आध्यात्मिक प्रशिक्षण के माध्यम से भी एक्सीडेंट्स के रेट्स को कम किया जा सकता है। क्योंकि दिन में हमारी चर्चा हो रही थी आदरणीय राजीव गुप्ता जी से, तो वो कह रहे थे कि बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन वो किताबी स्तर पर रहते हैं और व्यवहारिक स्तर में परिवर्तन आना बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन हमें बहुत खुशी है इस बात को आपके साथ शेयर करते हुए कि आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के आधार पर व्यवहारिक जीवन में जो परिवर्तन आता है उसके कारण सुरक्षा के स्तर में भी बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम हुए हैं उनके आधार पर हमें जो फीडबैक मिली है उसको भी हम मानते हुए ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में भी बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल अदा कर सकती है। इसीलिए सन 2000 में इस विंग का शुभारंभ हुआ, और जो पहला सेमिनार 2000 में आयोजित किया गया था उसका नाम था स्पेस, शॉर्ट में जिसको हम कहें, और स्पेस का अर्थ हम जानते हैं हिंदी में, अंतरिक्ष तक जाने की हमारी ऊंची सोच को दर्शाता हुआ पहला सेमिनार था, और उसी के फलस्वरूप आज हम कह सकते हैं कि यातायात परिवहन एवं पर्यटन क्षेत्र में आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा रहा है, और इन सेवाओं के माध्यम से नित नई ऊंचाइयों को हम छू रहे हैं। जो प्रभाग के कार्यक्रम होते हैं उनमें विशेष तौर पर कुछ बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, और उनमें विशेष है तनाव प्रबंधन, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा व्यस्त क्षेत्र है, 24/7 × 365 डेज सर्विस वाला ये क्षेत्र है, और इसमें अपेक्षा भी यही होती है जल्दी से जल्दी और बहुत आरामदेह यात्रा हो, माल सामान जल्दी से जल्दी हमें मिले। लेकिन सुरक्षा का अगर पहलू छोड़ दिया जाए तो हमारी आशा पूरी नहीं हो सकती है। इसीलिए इस ब्रह्मा कुमारीज के ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग का पंच लाइन जो है वो, और आज का सेमिनार का जो नाम है, दोनों सेम है, गति सुरक्षा और आध्यात्मिकता, स्पीड सेफ्टी स्पिरिचुअलिटी। और इसके साथ साथ संबंधों में समरसता के बिना तनाव प्रबंधन नहीं हो सकता है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग की तरफ से संबंधों में समरसता के क्षेत्र में भी कार्य किए जाता है, और सुरक्षा के लिए हम न केवल सुरक्षा के लिए जो कार्य करने वाले लोग हैं, क्योंकि रेलवे में तो सेफ्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग है, इसी तरह से रोड ट्रांसपोर्ट में भी सेफ्टी के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है, और तब से ज़्यादा किया जा रहा है जब से आदरणीय
गोपीनाथ मुंडे जी का दुर्घटना में इंतकाल हुआ। इसीलिए यातायात परिवहन प्रभाग सुरक्षा के लिए जागृति लाने के लिए विश्व भर में कार्यक्रम करता है और यूएन के कंसर्न को देखते हुए जो डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2011-2020 डिक्लेयर किया गया है और पिछले दो सालों से सेव किड्स लाइव्स के नाम से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसमें भी सबसे आगे रह करके ये ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रही है। और गति की अगर हम बात करें तो कहते हैं धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, जल्दी करोगे तो हरिद्वार में मिलेंगे। तो इसलिए जल्दी करने की प्रयास में सुरक्षा को हम ना छोड़ दें, ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ खुशनुमा जीवन कैसे बनाया जाए उस पर भी इस प्रभाग का ध्यान रहता है और उसी के प्रयास के रूप में अनेक कार्यक्रम सुखमय जीवन खुशनुमा जीवन बनाने के लिए। आज हमारे बीच वो स्पीकर भी हैं जो आपसे कल मुखातिब होंगे, ईवी ग्रीश भाई, उनके बॉडी लैंग्वेज से ही आप समझ जाएंगे कि खुशनुमा रहने का क्या तरीका हो सकता है। वो आपको इतना खुश बनाएंगे कि आप देखते देखते दंग रह जाएंगे। लेकिन रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो संबंधों में समरसता लाने के लिए हमें अपने मानसिक स्तर पर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो मानसिक स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए राजयोग मेडिटेशन को भी बहुत महत्व देते हुए हम अनेक कार्यक्रम मेडिटेशन के विषय पर भी करते हैं। और उसी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आपके जीवन को अगर खुशहाल बनाना है, सुखमय बनाना है, तो आध्यात्मिक शिक्षा के आधार पर आप बहुत सहज रीति से बना सकेंगे। लेकिन मात्र सोचने से काम नहीं होगा, सुन करके चले जाने से भी काम नहीं होगा। आपको जो कुछ यहाँ सुनाया जाए उसे क्रियान्वित करने के लिए यहाँ पर ही संकल्प करके जाना होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा 90 के दशक में जब कार्यक्रम शुरू किया गया था तब शायद दिव्या बहन जी को यह संकल्प भी नहीं होगा कि कोई विंग बनने वाली है, लेकिन उनके मन में ये दृढ़ संकल्प जरूर था कि हमारे साथी भाई बहनों को, क्योंकि यहाँ पर हमें यही सिखाया जाता है विश्व एक परिवार है, तो हमारे साथी भाई बहनों को सुखमय जीवन बनाने के लिए क्या सिखाया जा सकता, उस प्रयास को उन्होंने आरंभ किया था और उसका बड़ा रूप आज ये प्रभाग के रूप में बना हुआ है। इस विषय में कुछ लाइनें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये प्रभाग नहीं है, ये प्रभाग नहीं, ये बेहद है परिवार। होता यहां सबका खुले दिल से सत्कार, होता है यहां पर सबका खुले दिल से सत्कार, अपनों का सत्कार, और सत्कार के बाद अपनों को अपनों से मिलता है सच्चा प्यार। मेहमान बनकर आए हैं आप पहली बार, लेकिन आते रहिए बार बार, आते रहिए बार बार, ये संदेश हम देना चाहते हैं। लेकिन अंत में जिस कार्यक्रम में आप बैठे हैं उस कार्यक्रम के विषय में जैसा कि कुंती बहन जी ने कहा था कि सबसे पहले स्वागत किसका करें, किसका किसका स्वागत, उन्होंने कहा सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का स्वागत हम करते हैं जिसके प्रेरणा से ही हम ये कार्यक्रम कर पाते हैं। तो उस परमात्मा पिता से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन मिलने के लिए जैसे मैंने कहा कि जो कुछ आप सुनेंगे उसे क्रियान्वित करेंगे तभी आपका जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए उसे आप जीवन में अनुभव कर पाएंगे। तो इस जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आप प्रयास करने का दृढ़ संकल्प आज से और अभी से लें, ऐसी मेरी शुभ भावना है। और इसके विषय में ये मैं कहूँगा अंत में
कि आपको प्रयास करने ही हैं, वो संकल्प आप लेकर के जाएं, उसके लिए आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की इतनी कीमत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की इतनी कीमत ना होती। दोस्तों, घर मिल जाता सब कुछ मात्र सोचने से ही, घर मिल जाता सब कुछ मात्र सोचने से ही, तो परमात्मा की भी शायद ज़रूरत ना होती, परमात्मा की भी शायद ज़रूरत ना होती। लेकिन हम जानते हैं कि हमें उस खुशी की आवश्यकता है, इसलिए उस परमात्मा की आवश्यकता है, और उसी संकल्प के साथ आप यहाँ आए हैं, तो उस परमात्मा से आप सच्चा सुखमय जीवन बनाने की शिक्षा लेकर के जाएं और उसे याद करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसी मेरी शुभ भावना है, शुभकामना है। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें, इसी शुभकामना के साथ ओम शांति, जय हिंद। बहुत ही सही कहा कि धीरे धीरे चलेंगे तो मिलेंगे, जोर से बोलो, धीरे धीरे चलेंगे तो मिलेंगे बार बार, और तेज चलेंगे तो, हाँ क्या पसंद है, हाँ। तो आज संकल्प करेंगे कि हम जो भी अपनी गाड़ी चलाएं और उसकी गति को हम सदैव नियंत्रण में रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश भाई आपका। कहते हैं कि तालाब कुएं से कई गुना बड़ा होता है, तालाब कुएं से कई गुना बड़ा होता है, पर कुएं का पानी सब पसंद करते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। ऐसे व्यक्ति का बड़ा होना अच्छी बात है, पर उसके व्यक्तित्व में गहराई और उसके विचारों में शुद्धि उसे महान बनाती है। यही विशेषता हम आदरणीय दिव्या बहन के जीवन में देखते हैं। हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि श्रद्धा जीवन में ज्ञान देती है, नम्रता जीवन में मान देती है, श्रद्धा जीवन में ज्ञान देती है, नम्रता जीवन में मान देती है, और योग्यता विशेष स्थान देती है। पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को सम्मान देती है, व्यक्ति को सम्मान देती है। ये सभी गुणों के दर्शन आपके जीवन से होते हैं। आदरणीय दिव्या बहन जी मुंबई बोरीवली से पधारी हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के उत्तर मुंबई क्षेत्र के सेवा केंद्रों की कुशल संचालिका हैं। विगत 48 वर्षों से सतत राजयोग का अभ्यास कर शांति के पथिकों को शांति की राह दिखा रही हैं। आप ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं। सरलता, निर्माणता और नवीनता से ओतप्रोत आपकी जीवनशाला है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु आपको मुंबई के लाला लाजपत राय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से एक्सीलेंस ऑफ वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के पीछे क्या हेतु है, उस लक्ष्य को हम सभी के बीच रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय दिव्य प्रभा बहन जी। हम सभी कार्तल ध्वनि से दीदी जी का स्वागत करते हैं। ओम शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय निर्मला दीदी जो इस ट्रांसपोर्ट विंग की चेयरपर्सन हैं और विशेष इस कार्यक्रम के इनॉग्रल एड्रेस के लिए विशेष
बड़ौदा से पधारे हुए राजीव गुप्ता भाई और ग्रीटिंग्स देने के लिए दिल्ली से पधारे हुए अंगना राज भाई मोहन और मेरे ट्रांसपोर्ट की सेवाओं के बहने और भाई साथी हैं और आप सब कहाँ कहाँ इंडिया के कोने कोने से दूर दूर से विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं, इसलिए आप सबका स्वागत भी, नमन भी और अभिनंदन भी। और जहाँ तक उद्देश्य की बात है, आज का टॉपिक ही इतना स्पष्ट और क्लियर है कि क्या उद्देश्य है। लेकिन जब इस विषय पर मैं सोच रही थी, तब एक विचार चला कि आज मानव जीवन के अंदर सबसे पहले व्यक्ति को भिन्न भिन्न क्षेत्र से सुरक्षा के लिए प्रबंध की जरूरत महसूस होती है। और जब उस पर सोच रही थी कि सिर्फ रोड पर चलने के लिए सेफ्टी की बात जीवन में अभी नहीं रही है, लेकिन देखते हैं कि मानव जीवन के अंदर आज संबंधों में भी सुरक्षा नहीं है। और इसलिए कई जब माताएं आती हैं इस केंद्र पर तो कहती हैं कि मेरी लड़की की शादी तो हुई, लेकिन देखना पड़ेगा कितना समय ये ठीक रिलेशन चल पाते हैं। एक भय और डर है, माँ बाप को भी अंदर में संबंधों का भय है कि हमारे बच्चे बड़े होकर के कहाँ तक हमारी सेवा करेंगे, कहाँ तक हमारे साथ रहेंगे, कहाँ तक हमको देखेंगे। ये तो दो उदाहरण मैंने दिए, बाकी भी रिलेशनों में आज सुरक्षा फील नहीं हो रही है। और इसलिए एक न्यू कपल मेरे से मिला, तब वो कह रहे थे कि मेरी आमदनी इतनी है, ऐसे हैं, लेकिन लेडी कहती मेरे पति को मैंने बताया नहीं है। पति कहता है कि मेरी पत्नी को ये चीज़ें मैंने बताई नहीं है। अंदर में रिलेशन में फेथ, विश्वास, सुरक्षा नहीं है। साथ साथ आप देखिए, सुरक्षा की बात आती है, आज मानव के मन में भी भय से भरपूर है। टूरिज्म क्षेत्र को देखते हैं तो वहाँ भी आज टूर के लिए जहाँ जाते हैं तो वहाँ भी भय बना रहता है, हमारे सामान की चोरी न हो जाए, कहीं ऐसा स्थान न हो कि जहाँ पर जाएं हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। अन्य भी कई चीज़ों का भय ले करके टूर के लिए भी निकलते हैं, वहाँ भी अपने आप को सुरक्षित फील नहीं करते हैं। इसी प्रकार से रेलवे में भी देखते हैं, रोडवेज में देखते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट के कारणों को हम जानते हैं। मेरे सामने जो एक प्रसंग अनुभव में आया कि कपल था, उनका एक ही बेटा था और बहुत अच्छे मार्क्स से, परसेंटेज से वो पास हुआ, कॉलेज में एडमिशन लेके रिटर्न आ रहा था और रेलवे की बॉम्बे की पटरियों को क्रॉस करके चल रहा था और उसमें मोबाइल की रिंग बजी और वो बात करने लगा। उस बात में इतना मशगूल हो गया कि ट्रेन आ रही है उसको पता ही नहीं रहा और दी मोमेंट उसकी डेथ हो गई। उसके फादर उनको फ़ोन लगा रहे हैं, बात ही नहीं हो रही है। कुछ समय में न्यूज़ उनको मिले कि वो अभी है नहीं संसार में। एक तरफ खुशी थी और कुछ ही सेकंड में कितना गम आप सोच सकते हो।
और वो कपल कितना दुखी हुआ। हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, चाहे रोड हो चाहे रेलवे। बॉम्बे जैसे शहर में तो दिन के न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं, सिर्फ रोड पटरी क्रॉस करने में ही नहीं, इतनी भीड़ होती है कि ट्रेन में चढ़ने में कहीं लटक करके जाते हैं, अलग अलग कारण, चालू ट्रेन से उतरते हैं, चालू ट्रेन से चढ़ते हैं, बहुत सारे रीज़न है एक्सीडेंट के। रोडवेज के भी एक्सीडेंट के कहीं कारण है, रोड भी है तो पथ चालक हैं वो नियमों का पालन नहीं करते, ये भी एक रीज़न है। कई बार व्हीकल ठीक नहीं है, ब्रेक ठीक नहीं है, मशीन ठीक नहीं है, बहुत सारे रीज़न है जो इंडिया में एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन मेरे को एक सोच वो भी चलता था कि विदेश के अंदर तो बहुत अच्छे रोड हैं, बहुत अच्छे कानून है, स्ट्रीक है वहाँ पर कानून, लेकिन विदेशों में भी एक्सीडेंट तो होते ही हैं। और एक कारण ये मोबाइल भी है, व्यसन भी है, और साथ साथ जैसे सुरेश भाई ने बताया स्ट्रेस भी है। जब ड्राइवर घर से निकलता है उस समय पर उनके घर का माहौल, रिलेशन और क्या कुछ चिंताओं को लेकर के जब निकलता है वो ही मानस में होता है, और उस समय पर वो ड्राइविंग करता है, वो सारी सीन, वो बातें उनके सामने होती है, रोड पर क्या है लेकिन उनके मन में क्या है, और मन में है वो ज़्यादा दिखता है, रोड की चीज़ें दिखाई नहीं देती और एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए जीवन में सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मृत्यु का भी तो भय है जीवन के अंदर, बहुत सारे पहलू हैं मैंने जब सोचा तो। लेकिन सेफ्टी के साथ साथ स्पीड की बात आती है, तो व्हीकल जब हम चलाते हैं तो हम गति से चलाते हैं, तीव्र गति से, और उसका कारण ये भी होता है कि मानव के मन के विचारों की गति भी बहुत तेज होती है, और इसीलिए वो व्हीकल भी क्या करता है, क्योंकि मन का विचारों का प्रभाव हमारे बॉडी पर भी, हमारे कर्मों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और इसलिए मैंने देखा है कि जब बहुत तेज से चलाने वालों के विचार भी बहुत स्पीड से चलते हैं, और इसलिए वो व्हीकल भी स्टीयरिंग पर भी कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए एक्सीडेंट को कम करने के लिए मानसिक स्थिति को शांत, स्टेबल, शीतल और मन खुशनुमा हो, ये बहुत जरूरी है। और वो कैसे रहें, आज बाहर का वातावरण, घर का वातावरण, जीवन की परिस्थितियां, प्रॉब्लम, इसलिए स्पीड बढ़े वो एक प्रगति तो है, लेकिन प्रगति के साथ हमें सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना होगा। जैसे कहा कि एक व्यक्ति की डेथ, और आप देखिए कि इसमें यंग लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। एक बार एक स्पीकर ने बहुत अच्छी बात कही थी एक प्रोग्राम में कि आतंकवादी के द्वारा मृत्यु होने वालों की संख्या से एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या कई गुना अधिक है, और उसमें यंग लोगों की संख्या ज़्यादा है जो स्पीड से चलाने वाले, क्योंकि हम अपनी गति को देखते हैं लेकिन आगे व्हीकल है उनकी गति, हमारे पीछे है उनकी गति, ऐसे ही मन के अंदर भी है। और इसलिए सिर्फ ये शरीर के एक्सीडेंट की बात नहीं है, लेकिन टकराव दो व्हीकलों के बीच में ही नहीं है,
लेकिन मानव के मन के विचारों के अंदर भी क्या है, टकराव है। स्वभाव के अंदर भी, एक दूसरे के स्वभाव के अंदर भी टकराव है, संस्कारों के बीच में भी एक्सीडेंट है। सिर्फ ये जो मृत्यु हो जाती है उनको ही हम एक्सीडेंट समझते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सीडेंट और बहुत सारे टकराव है, और वो ठीक नहीं होंगे। आज जो मैंने उदाहरण दिया कि घर के अंदर से जब संस्कारों का, वाणी का टकराव लेकर के ड्राइवर बाहर निकले, या व्यक्ति पैदल ही पदयात्री क्यों ना हो, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है कि रोड पर चल रहे हैं, अपनी धुन में मस्त है, अपने सोच में, कोई कितना हॉर्न बजा रहा है, कोई लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता है, वो अपने वो टकराव से जो निकला है ना, वही उनके अंदर चल रहा है और एक्सीडेंट होती है। इसलिए स्पीड के साथ साथ सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए, चाहे पदचालक हो, चाहे व्हीकल को चलाने वाले, ट्रेन हो, बस हो, कार हो, स्कूटर हो, फ्लाइट हो, जो भी चलाने वाला है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है, कितने लोगों की जान की जिम्मेवारी उस पर है, और उनका मानस सही न हो तो सोचिए कि क्या हो सकता है। इसीलिए आध्यात्मिकता की जरूरत इसीलिए है। और कई बार आध्यात्मिकता के लिए हम सोचते हैं कि कुछ मंत्र लेना होगा, पाठ पढ़ने होंगे, पूजा करनी होगी, ये नहीं है। लेकिन एकांत शांति से बैठकर हम अपने आप को भीतर से अंदर जाके सही रूप से अपने आप को पहचाने, मेरी नेचर, मेरे संस्कार, मेरी वाणी, मेरे सोच, मेरे में क्या गुण, क्या अवगुण, क्या वीकनेस है मेरी हैबिट में, उसको कभी अपने अंदर जाके उसका दर्शन किया है, उसको हमने देखा है। मैंने खुद ने वो रियलाइज किया है। कई बार कोई व्यक्ति मुझे अपनी कमजोरी बता देता है तो मुझे नहीं लगता है कि भाई वो सोचते हैं, लेकिन मेरे में ऐसा है नहीं। मैं अपने अंदर जा करके देखूं एकाग्रता से, तो मुझे रियलाइज होगा, मुझे एहसास होगा, और जब मुझे लगे कि ये गलती है तो चेंज होने की मार्जिन बढ़ती है, पॉसिबिलिटी होती है। मुझे लगती नहीं गलती तो बदलाव का कहाँ प्रश्न आता है। और इसीलिए ये मेडिटेशन, आध्यात्मिकता, एकाग्रता, वो हमें बहुत हेल्प करती है अपने आप को सही पहचानने के लिए। मेडिटेशन सही पहचान के लिए भी है, और मेडिटेशन वो चीज़ है जो भाई ने कहा कि प्रगति के साथ परमात्मा है, वो सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देता कि ये करो, लेकिन प्रेरणा के साथ वो शुभ कार्य करने के लिए, अपने आप में चेंज लाने के लिए पावर भी देता है, और मेडिटेशन से वो पावर मिलती है, और हम अपने विचारों को, वाणी को, स्वभाव को, संस्कारों को, हैबिट को हम चेंज कर पाते हैं, और वो शक्ति हमें अपने आप को बदलने के लिए बहुत बड़ी मदद, जो मैं समझती हूँ कि ऐसी मदद इस संसार में हमें, मुझे बदलने के लिए और कोई नहीं कर सकता, परमात्मा की पावर ही मुझे अपने आप को चेंज करने के लिए सबसे बड़ा सहयोग है। और इसलिए इस क्षेत्र में भी इस आध्यात्मिकता का कितना इम्पोर्टेंट है वो तो आप सुन रहे हो, लेकिन उसके बजाय आपका थोड़ा भी अभ्यास उसमें आप स्टार्ट करोगे तो आपको खुद को
उसकी महसूसता, आवश्यकता और उससे आने वाला बदलाव आप खुद महसूस कर सकोगे। और ऐसी शुभ भावना कि जो दो तीन दिन आप यहाँ पर है, जो स्पेशल मेडिटेशन के क्लासेस, कुछ टेक्निकल विषयों पर भी बहुत अच्छे सुंदर वक्ताएं हैं, कि जिनका पूरा लाभ लेना, आप इतने दूर से कष्ट को उठा करके यहाँ पर पहुँचे हैं, इसको मिस न करना और उसका पूरा लाभ लेकर आपके जीवन में यहाँ चेंज करने की प्रेरणा और पावर को लेके जाएंगे। ऐसी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट और शुभ भावनाएं हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या बहन आपका। बिल्कुल सही कहा कि मन के नियंत्रण में राजयोग मेडिटेशन का विशेष स्थान है और उसके माध्यम से ही हम इसकी गति को कम कर सकते हैं, मन की एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। हर कार्यक्रम की सफलता के पीछे छिपी है बड़ों की दुआएं, बड़ों की आशीर्वाद, जो हर कार्य को सहज ही सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाते हैं। तो ऐसे शुभ प्रसंग पर वर्षों की साधक तपस्विनी राजयोगिनी आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अनेक दिलों में ज्ञान की अलख जलाने वाली, अपनी पवित्र आभा से परमात्म स्नेह का आभास कराने वाली आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, जिनका हृदय निश्चल प्रेम की धारा से सिंचित है। निर्मल आश्रम परमात्मा का मिला हुआ वरदान है। आप ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग की चेयरपर्सन हैं, ब्रह्मा कुमारीज की एशिया पैसिफिक रीजन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में 15 देशों में 72 सेंटर्स, 56 सब सेंटर्स और 4 रिट्रीट सेंटर्स का आप संचालन कर रही हैं। वर्तमान समय में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू के ज्ञान सरोवर एकेडमी की आप डायरेक्टर हैं। मुझे कहने में गर्व महसूस होता है कि व्यवहार में सौम्यता, दृष्टि निराली, व्यवहार में सौम्यता, दृष्टि निराली, प्रकृति करे वंदना इनकी ले पूजा की थाली, प्रकृति करे वंदना इनकी ले पूजा की थाली, खिल गए चमन में लाखों फूल वहां, खिल गए चमन में लाखों फूल वहां, जब से प्रभु सेवा की आपने बागडोर संभाली, प्रभु सेवा की आपने बागडोर संभाली। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर निर्मला दीदी को। हम जोरदार तालियों से दीदी जी का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। ओम शांति। हमें अपना असली धर्म शांति का याद दिलाती है। तो मंच उपस्थित आज की सभा के मुख्य वक्ताएं और सभा में उपस्थित हमारे सब मेहमान, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, जो हम रेलवे, मोटर कार, स्कूटर तथा विमान के द्वारा
बहुत थोड़े समय में अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। परंतु जैसे आपने सुना कि सब साधनों का तो उपयोग करते हैं, परंतु साधना नहीं है और थोड़ी सावधानी नहीं रखते हैं, क्योंकि मालूम है कि किस किस बात से एक्सीडेंट हो सकते हैं। खुद की जान तो जाती है, परंतु औरों की कई जान जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा एक्सीडेंट होता है जो सामने वाले आने वाली कार के भी जो ड्राइवर है या पैसेंजर है उनका भी मौत हो जाता है। और इतने तक कि विदेश में तो 5-7 कार जो आगे पीछे हैं उन सबको ख़त्म कर देते हैं, उनके पैसेंजर भी ख़त्म हो जाते हैं। भारत में तो आजकल देखते हैं रोज कहाँ न कहाँ एक्सीडेंट होता है, बसेस भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है और उसके जो भी पैसेंजर है सबकी सुरक्षा नहीं रहती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक्सीडेंट को टालने के लिए मेन बात ये रहनी चाहिए कि हमें याद रहना चाहिए कि बेटर लेट देन नेवर, ऐसी शाइन यहाँ माउंट आबू में भी कई स्थान पर है कि बहुत स्पीड से चलने से नेचुरली एक्सीडेंट हो जाते हैं। और इसमें यहाँ के माउंटेन में तो इतने कर्व है जो जिसको परिचय नहीं है एक्सीडेंट हो सकता है। विदेश में ड्रिंक ड्राइविंग का बहुत ही एक्सीडेंट होता है, और जैसे हमने कहा मालूम है कि ड्रिंक करके ड्राइविंग करने से कंट्रोल कार पर नहीं रहेगा, फिर भी कई लोग हैं वो ड्रिंक करके भी ड्राइव करके रिस्क लेते हैं, अपनी जान का तो रिस्क लेते हैं, कार का भी रिस्क लेते हैं, पर दूसरों की जान का भी खतरा है उसमें। और उसके साथ साथ आजकल ये भी है रोड रेज, जिसको फास्ट जाना है यदि और कोई जाने नहीं देता तो वो गोली चलाकर भी उसको ख़त्म कर देता है। तो क्या है कि ये गुस्सा है उसको टालने के लिए हमने देखा है राजयोग मदद करता है, क्योंकि राजयोग से सिर्फ शांति नहीं मिलती, क्योंकि कई समझते योग माना शांति, ध्यान माना शांति, परंतु शांति के साथ धीरज, प्यार, एक दया की भावना, औरों के प्रति शुभकामना सब रहता है। इस कारण हमने देखा है कि जो राजयोग का अभ्यास करते हैं वो काफ़ी संभल के ट्राई करते हैं, और साथ साथ नशा नहीं और लाइफ में भी बैलेंस रखते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि आजकल क्या है, ड्राइवर्स है दिन में भी आराम नहीं करते हैं और रात को भी ड्राइविंग करते हैं,
तो नेचुरली है रात को ड्राइविंग करने से या तो अर्ली मॉर्निंग ड्राइव करने से झुटका आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब ये तो ख्याल में करना रखना चाहिए कि हमको ठीक नींद करके आराम करके ऐसा ड्राइव करें जो हम सचेत रहें, जागृत रहें। तो आप में से भी कई लोग होंगे जो ड्राइविंग करते होंगे, तो यहाँ से ये शिक्षा लेके जाएंगे कि हमें किसी रीत से सेफ ड्राइविंग करनी है और उसके कारण अपने को भी सेफ रखना है तो दूसरों को भी सेफ रखना है, नहीं तो खतरा तो बहुत है। तो इसलिए यहाँ आए हो तो आप कई बातें सुनकर समझकर अपने जीवन में जरूर धारण करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। क्योंकि इतनी मेहनत करके कहाँ कहाँ से आप आए हो, छुट्टी लेकर आए हैं, बारिश का भी आप लोगों ने ख्याल नहीं किया, क्योंकि कई है डर गए, सुना गुजरात में आबू में बहुत बारिश है, 3-4 दिन पहले यहाँ इतनी बारिश थी जो रास्ते पर जैसे कि नदी बहती थी, और ऐसे ऐसे पिक्चर देखकर कई डर गए और आए नहीं। परंतु आप लोग भाग्यशाली हो जो यहाँ तक पहुँचे हो, और यहाँ से आप जितनी बातें लेके जीवन में धारण करेंगे अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली बना सकेंगे। तो हमारी यही शुभकामना है कि अपना सौभाग्य आप बढ़ाते जाओ और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते जाओ। ओम शांति। शुक्रिया डॉक्टर निर्मला दीदी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, निमंत्रण तो बहुतों को दिया था लेकिन आप सब यहाँ पहुँचे तो ज़रूर हम सबको अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए कि परमात्मा के इस घर में हम पहुँच सके अपने हिम्मत और साहस के बल पर। डॉक्टर निर्मला दीदी ज्ञान सरोवर से हमारे बीच यहाँ पधारे, तो दीदी जी को पुनः ज्ञान सरोवर के लिए जल्द ही प्रस्थान करना है। दीप प्रज्वलन विधि के पश्चात दीदी हमसे विदाई लेंगे।